नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे आज हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के दिन एक साल पहले हमने हमारा पहला वीडियो अपलोड किया था, इसीलिए आज हमारा फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है और मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण आज हमने ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। 2021 का जो साल था बहुत ही बुरा साल था, उसमें हमने बहुत सारे पेशेंट्स के फैमिलीज को इनकम्प्लीट होते हुए देखा। बहुत सारे हस्बैंड्स जो फर्स्ट सेकेंड मंथ में चेकअप्स के लिए आते थे अपनी वाइफ के साथ, 7th-8th month में हमें पता चलता था कि हस्बैंड नहीं रहे पैंडेमिक में। बहुत से लोगों के फादर इन लॉ नहीं रहे, सांस नहीं रही, मदर्स नहीं रही। बहुत सारे प्रेग्नेंट मदर्स को अनएक्सप्लेन रीजन से अपने बच्चों को खोना पड़ा, इसीलिए 2021 बहुत ही बुरा साल था। इसी बीच में एक प्यारी सी पेशेंट ने मुझे एक सलाह दी। उसने बैठे बैठे ऐसे ही हमें बात करते करते बोला कि आप अपना YouTube चैनल क्यों नहीं खोलते। और उस वक्त मेरा जवाब तो यही था कि समय कहाँ है। लेकिन उसके बारे में फिर मैंने सोचा और मुझे लगा कि पैंडेमिक पता नहीं कब तक चलेगा, और पेशेंट्स बहुत घबरा रहे थे हॉस्पिटल आने के लिए। कुछ पेशेंट्स पहुंच भी नहीं पा रहे थे, जो पहुंचते थे चाहते थे कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से घर पहुंच जाए, और हमें भी अपनी सेफ्टी की परवाह थी, तो इसलिए हम भी चाहते थे कि पेशेंट और डॉक्टर का कॉन्टैक्ट टाइम कम हो। इन सब चीज़ों के बाद मुझे ये लगने लगा कि हम पेशेंट को जो सलाह पहले देते थे, हम वो सलाह नहीं दे पा रहे थे। एंड फिर उसकी बात पे हमने बहुत गौर किया और सोचा क्यों ना हम ऐप और चैनल शुरू करें, ताकि पेशेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत यूज़फुल हो। तो आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल शुरू करने के बाद कि क्या क्या चेंजेस मैंने पेशेंट्स में देखे हैं। सबसे पहले जो अनएक्सप्लेन्ड इंट्रा यूट्राइन डेथ होती थी, अनएक्सप्लेन्ड इंट्रा यूट्राइन डेथ का मतलब ये होता है कि बिना किसी कारण के पेट में बच्चे का शांत हो जाना, ये हमें एटलीस्ट 10-12 केसेस पर ईयर मिलता था। अब ये सिर्फ 1-2 केसेस पर ईयर हो गया है। इतना जो फॉल इन द नंबर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड IUD, मुझे लगता है फीटल मूवमेंट्स का जो वीडियो है, पेशेंट्स को हम स्ट्रेस करते ही हैं कि 7th month के बाद उनको ये वीडियो देखना है। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे आपको काउंट करना है, आज पेशेंट्स सतर्क हो गए हैं। जब पेशेंट्स को पता पड़ रहा है कि यस काउंट कम है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल आते हैं और NST करवाते हैं। इसीलिए बहुत इंसिडेंस ऑफ IUDs कम हो गए। सेकेंड इज नंबर ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज। हमारी नॉर्मल डिलीवरी का रेट पहले भी बहुत अच्छा था और अब 30% बढ़ गया, और ये श्रेय शायद 9th month के एक्सरसाइज वीडियो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वीडियो के कारण है। पहले हम एक एक पेशेंट को समझाते थे और सिस्टर दिखाती थी कि नीचे स्क्वाट कैसे करना है, बट ये वीडियो के कारण अब पेशेंट्स अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। और हम हर पेशेंट को नहीं सिखा पा रहे थे पैंडेमिक के दौरान, तो इसलिए शायद एक्सरसाइज पेशेंट्स करते हैं। और यहाँ तक कि पहले डिलीवरी में तो नॉर्मल डिलीवरी का रेट बहुत अच्छा तो हो ही गया, जिनका पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उनके भी नॉर्मल डिलीवरी हो गए, सो दैट इज अ पर्सनल सक्सेस फॉर मी। नंबर 3, पेशेंट्स अब समय पे डिलीवरी के लिए आने लग गए। इसका मतलब ये है, पहले लोग थोड़ा सा भी दर्द शुरू हो जाता था और हॉस्पिटल भागे भागे आ जाते थे। अब जब वो वीडियोस जैसे टाइमिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या वेन टू कॉल योर डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद उनको खुद समझ में आता है कि उनको अपना कॉन्ट्रैक्शन टाइम कैसे करना है एंड व्हेन यू हैव टू रीच द हॉस्पिटल। इससे फायदा ये हुआ कि पेशेंट आ जाता है और 4-6 hours में डिलीवरी हो जाता है और अगले दिन वो छुट्टी होकर घर चले जाते हैं। एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, कौन से फल खाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है, पाइल्स के लिए क्या करना है, छोटी छोटी जो सिम्टम्स होती हैं, क्योंकि हम हर पेशेंट के लिए क्लास नहीं ले पाते हैं, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और समय कम। इससे एटलीस्ट मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो आपको प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, उसके विषय में आपको पूरी जानकारी ये वीडियोज़ के दौरान आपको मिल जाएगी।
बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी कहा कि आप डिजिटल मार्केटिंग कराइए एंड अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। ये मैं कहना चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाना या मार्केटिंग करना हमारा उद्देश्य पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको अपने 9 मंथ का जो सफ़र है बहुत अच्छे से हो, और मैं चाहती हूँ कि उनको समझ आना चाहिए कि 9 मंथ इज नॉट अ बीमारी, ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक बेस्ट पार्ट ऑफ अ लेडीज़ लाइफ है। तो उस प्रोसेस को एंजॉय ठीक तरीके से करने के लिए आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है कि क्या खाना है, कौन से एक्सरसाइजेस करना है, क्या कपड़े पहनना है, पार्लर में क्या कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि 9 मंथ के बाद आपको एक स्वस्थ बेबी हाथ में मिले एंड मदर भी बहुत स्वस्थ रहे। तो ये हमारा एक्चुअल सक्सेस है, एंड ये अगर सक्सेसफुली आपके साथ हो गया तो वो मेरे लिए वही सक्सेस का डेफिनेशन है। आई होप यू हैव एन्जॉयड ऑल द वीडियोज एज मच एज आई हैव एन्जॉयड मेकिंग देम फॉर यू। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी है जिनके लिए प्रेगनेंसी एसोसिएटेड वीडियोज हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ उनको ये लिंक शेयर करिए। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं, तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करिए, आके बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।